हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपको सबको पता होगा 6-7-8 नवंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है। मतलब आपके पास अभी लगभग 2 महीने तैयारी करने के बचे हैं और इन 2 महीने में दोस्तों आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो, आप गवर्नमेंट जॉब पा सको। दोस्तों, ये जो आपके पास टाइम बचा है इसमें आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितने पुराने प्रश्नों को हल करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों, जो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा जो आपको करना, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल जो प्रश्न आए हुए हैं, वो प्रश्न उसके आसपास के प्रश्न आपको हल करने होंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी में सब में यही करके चलो, जो पहले पूछे जा चुके हैं और उसके आसपास जो पूछे जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री में जो आपके पहले पिछले सालों प्रश्न पूछे गए हैं वो और उनके आसपास जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके लिए करवा के आऊँगा। क्वेश्चंस का एक सेट लेके आऊँगा जिसमें आपको राजस्थान इतिहास में जो पहले प्रश्न पूछे गए वो उसके आसपास आपसे क्या पूछ सकते हैं वो सारे करवाऊँगा। ज्योग्राफी में भी वो करवाऊँगा। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को एक को भी मत छोड़ देना आप। यहाँ से प्रश्न बनने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। मान लो आपसे राणा कुंभा के बारे में पूछा गया तो हो सकता है राणा कुंभा के बारे में अगली बार कहीं और से पूछ ले, लेकिन राणा कुंभा के बारे में पूरे चांसेस रहेंगे पूछा जाएगा। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ पूछा गया तो चांसेस रहेंगे महाराणा प्रताप के आसपास और कुछ पूछा जा सकता है। तो जो मैं क्वेश्चंस के सेट करवाऊँ उनको अच्छे से करके जाना, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, ये 2 महीने अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है। अब ये मान लो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो गया तो और भी एग्ज़ाम्स हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उनके भी आसार हैं कि वो भी होने लग जाएंगे। राजस्थान पुलिस के बाद में और भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अच्छे से इसमें लग जाओ। जिसकी तैयारी कम है दोस्तों, वो भी 2 महीने अच्छे से 10-12 घंटे बैठेगा तो उसकी भी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके, जितना भी हो सके, आपसे पूरा टाइम राजस्थान पुलिस में दो पेपर सोल्व करो। पिछले साल जो प्रश्न आए हुए उनको निकालो, उनके आसपास जो प्रश्न बन सकते हैं उनको निकालो। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो सब कुछ है जो आपके आ सकता है एग्ज़ाम में, जो हेल्प करेगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी ऐसे ही करता था। पेपर होते थे, आसपास के जो प्रश्न बनते थे पिछले साल जो आए हुए थे उनको बार बार सोल्व करता था। और यही होता है दोस्तों, एग्ज़ाम में भी उन्हीं के आने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे तो आप रटने बैठोगे तो कितना है रट लोगे। इसलिए जितना हो सके कोशिश करो, जितने प्रश्न पहले बन चुके उनके आसपास के सभी प्रश्नों को अच्छे से लेकर बैठो, अच्छे से सोल्व करो। बाकी दोस्तों, अगर आपने डेनी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे मैं आपको आगे चलकर PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपके जो भी फ्रेंड हो जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनको शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।